हेलो, आज के वीडियो का साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं यह वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आउटसाइड कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे यहाँ पे जो शोर कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, फुल मज़ा कर रहे हैं बच्चे। तो अब हम बात करते हैं वीडियो पे, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाला हूँ CBSE की तरफ से क्या खबर आ रही है और कंपार्टमेंट एग्जाम से रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें। तो गाइज देखो, पहले तो सबसे पहले डाउट क्लियर करूं कि अभी क्या खबर आ रही है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर। तो अभी एक न्यूज आई थी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि CBSE आपके एग्ज़ाम होम सेंटर पर करवाने की चाह रहा है। होम सेंटर मतलब आप ही के स्कूल में जहां आप पढ़ते थे, तो अब उस होम सेंटर में पहली बात ये, दूसरी बात कि उस होम सेंटर में 10 से 15 स्टूडेंट को रखने की कोशिश करने जा रहे हैं कि 10 से 15 बच्चे ही एग्ज़ाम देंगे। तीसरी बात कि आपके जो एग्ज़ाम करने के चांसेस वो CBSE जो कह रही है, वो कह रही है सितंबर में हम एग्ज़ाम करवाएंगे। तो अभी तक तो यही कहा जा रहा था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ पॉसिबिलिटी की, क्या सच में सितंबर में होंगे। तो देखो भाई, मैं कुछ तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ अपने तरीके से अनुभव और कुछ फैक्ट बता सकता हूँ कि जैसे कि आप जानते होंगे कि WHO की रिपोर्ट जो आई थी कि कोरोना के जो COVID-19 केसेस हैं वो सितंबर में बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। और जैसे हम जानते हैं कि 24 घंटे में हर दिन, जैसे कि हर एक दिन में 65,000 के तकरीबन केसेस आ ही रहे हैं, और तो इसको देखते हुए, COVID-19 सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी सपोर्ट आ रहा है। और ऐसा जो है मतलब कि ऑफिशियली पेज है जो काफ़ी सपोर्टिव है, आप सभी के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, शिवम भाई है, आलोक आलोक सर्वातव जी हैं, जो शक्ति पांडे हैं, मतलब कि जो हमारे जो पिटीशन फाइल दर्ज हुई है उसका फैसला भी आना बाकी है। तो पहले जो दो फैसले आएंगे वो आएंगे UGC के और JEE NEET को लेकर। JEE NEET को लेकर क्या खबर है कि अभी JEE NEET का ना 4 पिटीशन दोबारा से दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो जिसकी दोस्तों इन्फॉर्मेशन निधि जब मैम ने दी है, तो आलोक श्रीवास्तव के द्वारा ये दोबारा से मतलब पिटीशन फाइल दर्ज हुई है 4 स्टूडेंट के, 4 पिटीशन, ठीक है। तो ये न्यूज है। तो JEE NEET की जो आएगी तारीख वो होगी दोस्तों 17 तारीख की, और UGC की जो तो होगी मतलब की सुनवाई वो होगी 18 की। तो मतलब कि 17 और 18 के दिन का जो फैसला होगा ये हमारे फैसले पे भी डिपेंड करता है। हालांकि हमारी जो पिटीशन फाइल दर्ज हुई थी जो 8 से 9 स्टूडेंट मिलकर गई थी, उसका अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ कि उसकी सुनवाई कब होगी, लेकिन जल्द ही आ जाएगी इस वीक के अंदर। तो अब दोस्तों आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास होकर पढ़ाई करिए, ठीक है। हम आपके फुल सपोर्ट में हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट आपके सपोर्ट में हैं, काफ़ी सारी ऑफिशियल एसोसिएशन, काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे यूट्यूबर, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी लोग आपके सपोर्ट में हैं। तो हम दोस्तों ये कैंपेन जो चला रहे हैं, आप ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे मतलब कि पॉजिटिव वे में जा रहा है, क्योंकि जो ISI की जो ऑफिशियल पेज है, जो लाइव लो है, मतलब कि तो ये ऐसे ऐसे काफ़ी सारे लोग हमारे सपोर्ट में कर रहे हैं, जिसको लेकर दोस्तों लाइव सेशन भी हुआ था आज दोपहर 3 बजे। तो उसका भी कुछ ना कुछ दोस्तों बेनिफिट होगा ही। तो हम अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे लॉयर हैं शक्ति पांडे सर जी, उन्होंने भी हमें मतलब यही कहा है कि अब हम जो प्रिपेयर करेंगे, हम जो अब केस करेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से करेंगे, और किस COVID-19 की सिचुएशन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम नहीं हों। तो बस आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत सोचना कि परमानेंट एग्ज़ाम कैंसिल ही होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। आपको बस अपनी पढ़ाई करनी है, बस थोड़ी सी अपडेटेड रहना है, साथ देना है मुहिम को। तो आप पढ़ाई करते रहिए, 5-6 घंटे जो आप पढ़ाई कर लो तभी आप हमारा सपोर्ट देना। हम तो आपके लिए दिन रात एक करने में लगे हैं, हम काफ़ी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है, आपकी जो प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे छात्रों के जो घर में पानी जा चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको दोस्तों कोरोना पॉजिटिव भी हो रखा है, तो ये आपकी जो फीलिंग है वो हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, ये हम इसी को लेकर हमने ये कैंपेन चला रखा है। तो देखो अभी तक तो यही है, तो अगर एग्ज़ाम नहीं होते तब भी आपको पॉजिटिव रहना है, अगर एग्ज़ाम होते हैं तब भी आपको पॉजिटिव रहना है। तो सरकार का जो फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, वो हमें मानना पड़ेगा, वो हमारे हित के लिए ही होगा। तो आप CBSE का जो काम था कि डेट अनाउंस करना है, एडमिट कार्ड जारी करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे वो हमारे गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है दोस्तों। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।